फ्रेंड्स, होम कुकिंग विद नेहा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं टहल आलू दो प्याजा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। दो प्याजा है तो प्याज थोड़ा इसमें ज़्यादा पड़ेगा। साथ में ही मैं बताऊँगी कि कटहल कैसे कट करना चाहिए, कटहल को कट करते वक्त हाथ में जो गूदा लगता है उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारे टिप्स मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी, यमी और बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। चावल, रोटी, नान, पूरी, किसी के साथ भी, पुलाव के साथ, किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हो। के साथ मैंने आलू भी डाला है। आलू इसलिए डाला है कि अगर बच्चे हैं उन्हें कटहल नहीं पसंद है तो वो आलू खा सकते हैं, और कटहल आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। मैं जिस तरह से मैंने बनाया है सेम अगर उस तरह से आप बनाओगे तो ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी, बहुत यमी होती है और सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे आपको मिलता रहेगा। ये देख सकते हो आप कितना सुंदर कलर आया है, बहुत बढ़िया होता है ये गाइस। इसमें मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया स्टेप वाइज अगर आप उस तरह से इसको फॉलो करोगे तो ये बहुत ही यमी बनेगी। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी अपनी आलू कटहल दो प्याजा को। काटते वक्त आपके हाथ में गूदा लग जाता है तो उसके लिए क्या कीजिएगा, सरसों का तेल ले लीजिए, थोड़ा सा इस तरह से सरसों का तेल ले लीजिए, इसको हाथों में लगा लीजिए। हाथ में लगा करके लगा लोगे आप हथेली पे और फिर कट करोगे तो जो गूदा होता है वो चिपकेगा नहीं हाथ पे और निकल जाएगा, और फिर इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इसका बीच वाला पार्ट जो है उसको कट करके पहले निकालेंगे, ये जो पार्ट होता है इसका, ये हार्ड होता है, इसको निकाल देंगे और इस छिलके को निकाल देंगे। फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, एकदम छोटा भी नहीं, इसमें दो पार्ट करेंगे बस बीच में से, और न एकदम बड़ा बड़ा रहेगा। तो इस तरह से पहले कटहल को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कटहल को कट कर लेंगे। आप देख सकते हो कटहल का बीच का पार्ट और छिलका अच्छे से निकालने के बाद इतने बड़े बड़े पीस में इसको कट कर लेंगे। बहुत बड़ा बड़ा पीस भी नहीं करेंगे ना एकदम छोटा करेंगे, इस तरह से इसको कट करेंगे। आलू भी आप देख सकते हो किस तरह से इसको कट किया है मैंने, इतना मोटा आलू कट करेंगे न एकदम हमें मोटा कट करेंगे और न ही एकदम पतला, इस तरह से देखिए गोल गोल आलू को कट कर लेंगे। अब इन दोनों को पहले फ्राई करेंगे, तो चलिए फ्राई कर लेते हैं पहले। और ये कटहल जो है ये बड़ा वाला कटहल नहीं है, छोटे छोटे कटहल जो आते हैं वो है, उसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। बड़े कटहल की सब्जी इतनी अच्छी नहीं बनेगी जितनी अच्छी छोटे कटहल की बनती है, जैसे कि लेढ़ा कहते हैं। तो उसको इस लेके आप आइए, बाज़ार में 30-40 रुपए का मिल जाता है, और उसको इस तरह से कट कर लीजिए। अब इसको फ्राई कर लेंगे। अब कटहल को पहले फ्राई करके निकाल लेंगे, तो उसके लिए देखिए कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच से तेल डाला है, खाने वाले बड़े चम्मच से। अब इसमें कटहल को डाल देंगे। इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने से कटहल का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करना है, एकदम पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्राई हो चुका है कटहल। थोड़ी देर बाद जब फ्राई हो जाएगा ये, तो आप देखोगे इसमें से बढ़िया से खुशबू आने लगती है। तो बस आप कटहल को निकाल कर लें। अब सेम कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ही कटहल का सब्जी बनाइए, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें आलू डाल देंगे, आलू को भी फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही आलू को भी हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक इसको फ्राई कर लेंगे, सुनहरा कलर आ जाए आलू का तब तक इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए एक प्याज लिया है मैंने, रफली चॉप किया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, कुछ खड़े मसाले भी हैं जैसे कि 1 चम्मच जीरा, दालचीनी का टुकड़ा है आप देख सकते हो, 6-7 काली मिर्च है, जावित्री है, 4 लौंग हैं, और यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर। अब इन सब को एक साथ पीस लेंगे, पीस करके इनका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा डाल के जैसे नॉर्मली हम मसाला पीसते हैं वैसे इसको पीस लेंगे।
देखिए आलू भी रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ गया है। अब इसको भी प्लेट में निकाल ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के लिए सेम कढ़ाई में मैंने देखिए 3-4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल को गर्म होने देंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। थोड़ा सा हींग, 2 तेज पत्ता और 3 लाल मिर्च डाला है मैंने इसमें। अब हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। 3 बड़े प्याज को इस तरह से पतला पतला कट किया है मैंने। अब इसको इसमें डाल देंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। चम्मच भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज गल नहीं जाता और अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन नहीं दूर हो जाता, प्याज का भी कच्चापन दूर हो जाए और वो गल जाए। पूरा गलाने तक इसको हमें पकाना है। तो मीडियम टू हाई करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको पका लेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ये बहुत जल्दी गल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बाद में भी नमक ऐड करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नमक इस टाइम पर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे जिससे कि जल्दी से गल जाए। बस ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हाई फ्लेम पर इसको जल्दी बाजी है, आपको जल्दी है, अगर आप हाई फ्लेम पर पका रहे हो तो कंटिन्यू खड़े होकर उसको चलाते रहिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जलने ना पाए। प्याज देखिए हो चुका था। अब इसमें जो मसाला पीस करके रखा था, पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह का, अदरक लहसुन का, उसको इसमें डाल देंगे और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, ये 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना तीखा आपको खाना है। ये देखिए धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे पहले, फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाला जो है वो लगेगा नहीं, लगेगा मतलब वो जलेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं नीचे और अच्छे से पक जाएगा। फ्लेम मीडियम कर देंगे। कभी भी आप मसाले को पका रहे हो तो मीडियम फ्लेम पर ही पकाइए, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाइए मसाले को, जब तक उसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता और बढ़िया से खुशबू नहीं आने लगती, वरना आपकी सब्ज़ी जो है बहुत अच्छी नहीं बनेगी अगर आपका मसाला अच्छे से नहीं पका हुआ होगा। तो अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने से मसाला जो है वो नीचे पकड़ेगा नहीं और बढ़िया से पक जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ग्रेवी अभी ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना पानी ऐड करना है कि मसाला बढ़िया से पक जाए। तेल देखिए सेपरेट हो रहा है और बड़ी अच्छी से इसमें से खुशबू आने लगी है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दो। इसको वैसे तो मसाला पक चुका है एकदम बढ़िया से, आप देखिए इसमें तेल भी सेपरेट होने लगा है और बहुत ही अच्छी से खुशबू भी आने लगी है। अब फिर से इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और मसाला भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें जो कटहल और आलू फ्राई करके रखा था वो सब इसमें डाल देंगे। अब फिर से इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और मसाले के संग मीडियम फ्लेम पर 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। ये पक चुका है, अब इसमें डालेंगे पानी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना आपको पानी चाहिए उतना आप इसमें डाल सकते हो। ऊपर से डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, ढेर सारे धनिया के पत्ते और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको पकने देंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हो, जितना आपको चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इस पर पानी डाल सकते हो। ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। ऊपर से डालने से गरम मसाला का फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट सब्जी की बहुत ही अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है टेस्ट सब्जी की, इसलिए ऊपर से ही डालिए। आप चाहें तो इसको मसालों के बाकी मसालों के साथ भी पका सकते हो गरम मसाला को, लेकिन अगर आप ऊपर से डालोगे तो उसका फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। अब बस फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको पकने देंगे।
पहले भी नमक डाला था तो नमक हिसाब से ही डालिएगा। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को गलाने के लिए भी स्टार्टिंग में नमक डाला था तो उस हिसाब से ही नमक इसमें आप ऐड कर लीजिए। ये देखिए सब्जी रेडी है मेरी। बहुत ज़्यादा इसको ना तो मुझे ग्रेवी करना है ना एकदम सूखा बनाना है, परफेक्ट एकदम बना है। ये देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसको सर्व कर लेते हैं। सब्जी रेडी है मेरी, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है। ये बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी होता है ये गाइस। इस सब्जी को आप रोटी, पूड़ी, नान, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही यमी होता है। इसकी ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ज़्यादा या कम, जैसा आपको चाहिए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसे ही मेरी अगर आप और भी रेसिपीज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पे आपको मिलता रहेगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई चटपटी बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।